नाजरीन आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट। इस वक्त की 10 अहम खबरें। कॉरपोरेशन इलेक्शन पर कोरोना का साया, अब इलेक्शन 22 जनवरी को नहीं 12 फरवरी को होगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन का ऐलान। क्या फिर शुरू होगी किसान तहरीक, किसान मोर्चा का 31 जनवरी को यौम वादा खिलाफी मनाने का ऐलान, राकेश टिकैत। बंगाल में कोविड पाबंदियां 31 जनवरी तक बढ़ाई गई, ममता हुकूमत। टीएमसी में एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, एमपी सुदीप बैनर्जी। बंगाल में बीजेपी खत्म हो रही है, तथागत राय का बड़ा बयान। उमा भारती की गंगा सागर मेले की तैयारियों को लेकर ममता बनर्जी की तारीफ। अवाम के भेजने से पहले बीजेपी ने योगी को भेजा घर, अखिलेश यादव का बयान। इलेक्शन से पहले सख्त दल बदल कानून की जरूरत, मायावती का मुतालबा। याद कैफी ने लोगों के दिलों को जीत लिया, मगरी बंगाल उर्दू एकेडमी को मिला फिर एक तारीखी उर्दू प्रोग्राम का एजाज। दुनिया वो आवाज सुनने को तरसेंगे जिसे हम कल तक सुनते थे, एनडीटीवी के विभाग सहाफी कमाल खान के इंतकाल पर डॉक्टर मुख्तार अहमद फरदीन का इजहार अफसोस। खबर को देखने के लिए द लोकल जर्नलिस्ट के यूट्यूब को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर लाइक एंड शेयर करें।